क्या आपने कभी सोचा है कि चींटियां हमेशा लाइन में ही क्यों चलती हैं? या फिर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि चीनी का रंग सफेद ही क्यों होता है? हर जीव की लंबाई एक उम्र के बाद बढ़ना बंद हो जाती है, लेकिन एनिमल किंगडम में एक ऐसा जानवर है जिसकी लंबाई मरते दम तक बढ़ती है। क्या आप उसका नाम जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि मगरमच्छ पत्थर क्यों खाता है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 1, आमतौर पर इंसान को स्वस्थ और फिट रहने के लिए डॉक्टर द्वारा जॉगिंग या चलने फिरने की सलाह दी जाती है, जो ज्यादातर देशों में नागरिक फॉलो भी करते हैं। लेकिन पूर्वी अफ्रीका में मौजूद बुरुंडी एक ऐसा देश है जहां रहने वाले नागरिकों के जॉगिंग करने पर सख्त पाबंदी है। दरअसल साल 2014 में बुरुंडी सरकार ने जॉगिंग पर प्रतिबंध लगाते हुए यह तर्क दिया था कि लोग जॉगिंग करने के दौरान असामाजिक गतिविधियां करते हैं, जिसकी वजह से युवा पीढ़ी पर गलत असर पड़ता है। इसलिए सरकार ने जॉगिंग पर रोक लगा दी ताकि लोग बाहर दौड़ने के बहाने असामाजिक गतिविधियां ना करें। हालांकि यह एक बेतुके नियम के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जॉगिंग सेहत के लिए अच्छी होती है और इसे करने के दौरान किसी तरह की अश्लील हरकत करना लगभग नामुमकिन होता है। यही वजह है कि सरकार के इस नियम के खिलाफ बुरुंडी के नागरिकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। फैक्ट नंबर 2, आमतौर पर जब कोई व्यक्ति खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट या होटल में जाता है तो उसे खाने के साथ साथ सर्विस चार्ज भी देना पड़ता है। फिर चाहे रेस्टोरेंट का खाना आपको पसंद ना आया हो और उससे आपका पेट भी ना भरा हो, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां ग्राहकों की सुविधा का खास ख्याल रखा जाता है, इसलिए वहां पेट ना भरने पर बिल ना देने का कानून है। अगर आप डेनमार्क में हैं और वहां के किसी होटल या रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हैं लेकिन आपका पेट नहीं भरता है, तो आप बिना बिल दिए रेस्टोरेंट से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए रेस्टोरेंट वाले आपको रोक नहीं सकते और न ही आपसे जबरदस्ती बिल देने की मांग करेंगे। डेनमार्क में इस बात को बढ़ावा दिया जाता है कि जो भी कस्टमर रेस्टोरेंट में आए उसे इतना अच्छा खाना सर्व किया जाए कि उसे खाने के बाद व्यक्ति को भूख का एहसास ना हो। ऐसे में अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां तब तक खाना खा सकते हैं जब तक आपका पेट पूरी तरह से भर ना जाए। लेकिन अगर ढेर सारा खाना खाने के बावजूद भी आपका पेट नहीं भरता है तो रेस्टोरेंट अपनी खराब सर्विस का हवाला देते हुए आपसे बिल नहीं वसूल करेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट द्वारा सर्व किया गया भोजन ग्राहक का पेट नहीं भर पाया। ऐसे में वह अपनी सर्विस में सुधार करने की कोशिश करते हैं। फैक्ट नंबर 3, जापान ने भले ही पूरी दुनिया को सुमो रेसलिंग से परिचित करवाया हो, जहां सदियों से मोटे शरीर के साथ लड़ाई लड़ने का इतिहास है, लेकिन इस देश में मोटापे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। इसलिए यहां की सरकार ने आम नागरिकों के लिए बहुत ही अजीबोगरीब कानून बनाया है। जापान में लोगों के स्वास्थ्य और मोटापा दर को कम करने के लिए महिला और पुरुषों की कमर का साइज निर्धारित कर दिया गया है, जिसके तहत अगर किसी की कमर का साइज बढ़ता है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ता है। जापान में 40 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 32 इंच और मर्दों को 34 इंच की कमर रखने की इजाजत है। अगर किसी की कमर इस साइज से ज्यादा बढ़ती है तो उसे मोटे होने के अपराध में जुर्माना भरना पड़ता है। फैक्ट नंबर 4, मगरमच्छ को पानी का राजा कहा जाता है, जो एक ही हमले से किसी भी जीव को घायल कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मगरमच्छ मांस के साथ साथ पत्थर खाना भी पसंद करता है? लेकिन ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? दरअसल कुछ साल पहले तक वैज्ञानिकों को भी इस बात का पता नहीं था कि मगरमच्छ पत्थर खाता है, लेकिन जब उन्होंने मगरमच्छ को ऐसा करते देखा तो उन्होंने उसके इस व्यवहार के पीछे की वजह का पता लगाने की कोशिश की। रिसर्च के दौरान पता चला कि मगरमच्छ छोटे छोटे पत्थरों को खाता है और उन्हें अपने पेट के निचले हिस्से में स्टोर करके रखता है ताकि पानी के अंदर उसका संतुलन बना रहे। इसके साथ ही पेट में पत्थर होने की वजह से जब मगरमच्छ किसी जीव का शिकार करके उसका मांस खाता है तो वह पत्थर उस मांस को पचाने और उसके छोटे छोटे टुकड़े करने में मददगार साबित होते हैं। पेट में पत्थर होने की वजह से मगरमच्छ का शरीर भारी हो जाता है, जिसकी वजह से वह गहराई में अंदर तक आसानी से तैराकी कर पाता है। वहीं जमीन की सतह पर चलने के दौरान भी मगरमच्छ के पेट में मौजूद पत्थर मददगार साबित होते हैं, जो उसकी पेट की चमड़ी को आसानी से छिलने नहीं देते हैं। इन पत्थरों से मगरमच्छ को कोई परेशानी नहीं होती है और कुछ समय बाद उसका पाचन तंत्र उन्हें पचाकर शरीर से वेस्ट के रूप में बाहर निकाल देता है। फैक्ट नंबर 5, आप में से बहुत से लोगों के घर में पालतू जानवर के रूप में बिल्ली पालना पसंद होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बिल्ली इंसान की जान भी ले सकती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ब्लैक फुटेड कैट नामक बिल्ली की यह प्रजाति इंसान की मौत का कारण बन सकती है। ब्लैक फुटेड कैट दिखने में बहुत ही क्यूट और प्यारी लगती है, लेकिन इसका स्वभाव बहुत ही खूंखार और जानलेवा साबित हो सकता है। अफ्रीका के जंगलों में पाई जाने वाली ब्लैक फुटेड कैट की शारीरिक लंबाई 35 से 52 सेंटीमीटर तक होती है, जिसकी वजह से यह क्यूट लगती है और लोग जल्दी से इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं।
लेकिन ब्लैक फुटेड कैट को इंसानों के संपर्क में आना पसंद नहीं है, इसलिए जब कोई व्यक्ति इसके करीब जाने की कोशिश करता है तो यह अपने पंजों और दांतों से उस पर हमला कर देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्लैक फुटेड कैट द्वारा किए गए हमलों में 60% लोगों की मौत हो जाती है, जबकि 30% लोग बुरी तरह से घायल होने के बाद किसी तरह जिंदा बचने में कामयाब हो जाते हैं। यह बिल्ली हर 50 मिनट में एक छोटे पक्षी या जीव को अपना शिकार बनाती है। इसका हमला इतना सटीक होता है कि उससे बच पाना किसी भी जीव के लिए आसान नहीं है। यही वजह है कि ब्लैक फुटेड कैट को धरती की सबसे खतरनाक और खूंखार बिल्ली माना जाता है, जो आकार में बेहद छोटी होने के बावजूद भी जानलेवा साबित हो सकती है। फैक्ट नंबर 6, घर में टॉयलेट का इस्तेमाल करना और फिर फ्लश करना बहुत ही आम बात है, लेकिन अगर आप स्विट्जरलैंड में रहते हैं तो यह आम सी बात आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। जी हाँ, स्विट्जरलैंड में टॉयलेट फ्लश करने से पहले इंसान को 100 बार सोचना पड़ता है ताकि उसकी आवाज़ से किसी की नींद खराब ना हो। इस देश के कानून के मुताबिक अगर आप किसी अपार्टमेंट या बिल्डिंग में रहते हैं तो वहाँ रात के 10 बजे बाद टॉयलेट को फ्लश करना सख्त मना है। स्विट्जरलैंड सरकार का मानना है कि टॉयलेट का फ्लश भी ध्वनि प्रदूषण का हिस्सा है, जिससे रात के समय लोगों की नींद खराब होती है। इसलिए इस देश में रहने वाले ज्यादातर लोगों के घरों में साइलेंट टॉयलेट फ्लश हैं, जिसे रात के समय इस्तेमाल करने पर बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है। फैक्ट नंबर 7, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को अंडरवियर पहनना पसंद हो, क्योंकि यह एक निजी च्वाइस है, लेकिन अगर आप थाईलैंड में रहते हैं तो वहाँ आपको अपने निजी कपड़ों को लेकर आज़ादी नहीं मिल सकती है। दरअसल इस देश में अंडरवियर पहनने को लेकर बहुत ही अजीबोगरीब कानून बनाया गया है, जिसका पालन न करने पर व्यक्ति को जेल की सजा हो सकती है। थाईलैंड के नियम के अनुसार इस देश में कोई भी नागरिक बिना अंडरवियर पहने घर से बाहर नहीं निकल सकता है, जो सुनने में बहुत ही विचित्र लगता है। थाईलैंड सरकार ने यह नियम नागरिकों को सभ्य बनाने के मकसद से लागू किया है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति बिना अंडरवियर पहने पब्लिक प्लेस में जाता है तो उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, कई मामलों में इस नियम का उल्लंघन करने की स्थिति में व्यक्ति को भारी जुर्माना भी भरना पड़ता है। इसलिए अगर आप थाईलैंड घूमने जाते हैं तो अंडरवियर पहनना बिल्कुल ना भूलें। फैक्ट नंबर 8, आमतौर पर विभिन्न जानवरों की हाइट एक उम्र तक ही बढ़ती है, जिसके बाद उनकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। यही नियम इंसानों की हाइट के साथ भी लागू होता है, जिसमें 21 साल के बाद इंसान की लंबाई बढ़ना बिल्कुल बंद हो जाती है। लेकिन एनिमल किंगडम में एक ऐसा जानवर भी मौजूद है जो अपनी जिंदगी में उम्र भर बढ़ता रहता है। इस जानवर का नाम है कंगारू, जिसकी लंबाई मरते दम तक बढ़ती रहती है। यही वजह है कि कंगारू की निश्चित हाइट का अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस कंगारू को आप 5 साल पहले देखेंगे वह 5 साल बाद काफी लंबा हो चुका होगा। कंगारू इकलौता ऐसा जीव है जो मृत्यु प्राप्त करने तक अपनी लंबाई में इजाफा करता रहता है। फैक्ट नंबर 9, आपने घर के आसपास चींटियों को लाइन बनाकर चलते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया कि आखिर चींटियां लाइन बनाकर ही क्यों चलती हैं? अगर हाँ, तो आज आपको इस सवाल का बहुत ही दिलचस्प जवाब मिलने वाला है। चींटी एक सामाजिक प्राणी है जो बड़ी बड़ी कॉलोनी बनाकर रहती है। चींटियों के पास आंखें तो होती हैं, लेकिन ये चलने फिरने और खाना ढूंढने के लिए उन आंखों का इस्तेमाल नहीं करती है। चींटियां अपनी कॉलोनी से बाहर निकलने के दौरान रास्ते में फेरोमोन्स नामक रसायन छोड़ती हैं, जिसकी गंध सूंघकर बाकी चींटियां एक दूसरे का पीछा करती हैं। इस तरह उस गंध का पीछा करते हुए चींटियां लाइन में चलना शुरू कर देती हैं और कतार में आगे बढ़ते हुए खाने की तलाश करती हैं। इस तरह अपने साथी चींटी की गंध का पीछा करते हुए खाने की तलाश करने के दौरान चींटियां अपने ग्रुप से अलग नहीं होती हैं और सही सलामत वापस अपनी कॉलोनी तक पहुँच जाती हैं। हालांकि चींटियों को यह पता नहीं होता है कि वह लाइन बनाकर चल रही हैं, क्योंकि उनके लिए धरती और बाकी चीजों का आकार बहुत बड़ा होता है। फैक्ट नंबर 10, चाय से लेकर दूध तक हर चीज को मीठा बनाने के लिए चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीनी का असल रंग कैसा होता है? जब गन्ने के रस से चीनी का निर्माण किया जाता है तो उसका असल रंग भूरा होता है, तो फिर हमें बाजार में सफेद रंग की चीनी क्यों मिलती है? इसके पीछे असल वजह है कई रासायनिक क्रियाओं से गुजरना। गन्ने के रस से चीनी बनाने की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद भूरे रंग की चीनी में सल्फर डाइऑक्साइड नामक पदार्थ मिलाया जाता है। इसी रसायन की वजह से चीनी का रंग सफेद हो जाता है और वह क्रिस्टल की तरह चमकने लगती है, जिसका अत्यधिक सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। वहीं भूरे रंग की चीनी खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, हालांकि उसकी कीमत सफेद चीनी के मुकाबले ज्यादा होती है। इसलिए अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो रासायनिक तत्वों से तैयार सफेद रंग की चीनी का सेवन करने के बजाय ब्राउन शुगर का सेवन करना शुरू कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।